हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज योर बायोलॉजी क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर न्यूट्रिएंट्स। ओके सो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिएंट है क्या। ठीक है, उससे पहले हम एक कॉमन टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रिशन। ओके तो न्यूट्रिशन क्या है? वेल न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, या हम कहें द प्रोसेस ऑफ नॉरिशमेंट। ठीक है, तो एक प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करे तो वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं और अपने डेली बेसिस की जो भी एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करने के लिए वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ओके तो मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनिशियल क्लासेस में हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अब हम इनको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या उनका फंक्शन है और कौन कौन से उनके सोर्सेस हैं। राइट, तो न्यूट्रिएंट्स है क्या? अगर मैं सिंपल वर्ड में न्यूट्रिएंट को एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा फूड। फूड और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही सेम है। राइट, क्योंकि फूड एक ऐसा मीडियम है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं। राइट, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग, मैंने ये बोला न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो हम ये कहें कि द एक्ट ऑफ ईटिंग या द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। राइट, तो हम न्यूट्रिएंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, हेल्थ। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के बारे में बताया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हेल्थ। हेल्थ है क्या? ठीक है, वेल द सिंपल टर्म में मैं बात करूं, द टर्म हेल्थ जनरली इंप्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। ठीक है, एक वेल होना या इलनेस से फ्री होना, डिजीज फ्री होना ही क्या हेल्थ है? ठीक है, नहीं। ठीक है, कॉमन सेंस में तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन हेल्थी है, उसको कोई डिजीज नहीं है तो वो ठीक है, मतलब हेल्थी है और उसे कोई डिजीज नहीं, मतलब फिट एंड फाइन, गुड। ओके, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में आप देखें तो ये गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का सिंपली मतलब ये है द आइडिया ऑफ बीइंग वेल होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर कोई इंडिविजुअल फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग है तो इट मींस दैट हम उसे हेल्थी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी जो एस्पेक्ट है वो लैक है, चाहे वो फिजिकली अनफिट है या मेंटली अनफिट है, तो हम उसे हेल्थी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, डिजीज फ्री होना ही हेल्थ फ्री होना, हेल्थी होना नहीं है। ठीक है, क्लियर, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि डिजीज फ्री और हेल्थी में क्या डिफरेंस है, हेल्थ में क्या डिफरेंस है। वेल अगर कोई पर्सन जनरली थोड़ा सा उसकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस होता है तो हम कहते हैं कि वो उसे डिजीज हो गई है। ठीक है, तो डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज का सिंपली मतलब है, ठीक है, डिजीज। ठीक है, डिजीज दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, डिस, डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट एंड ईज का मतलब होता है कोई कंडीशन। ठीक है, अगर कोई पर्सन डिस्कम्फर्ट है या फिर हम कहें कि नॉट इन अ स्टेट ऑफ यू नो गुड, ठीक है, हम कहें नॉट इन अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, तो उसे हम कहते हैं डिजीज। ठीक है, और डिजीज हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारे फिजिकल मेंटल और सोशल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो डिजीज रिस्पॉन्सिबल है जिससे कोई पर्सन हेल्थी से अनहेल्थी हो सकता है, और रिसेंट सिनेरियो जो है कोविड का ये हमें इसके बारे में क्लियरली बताता है। ठीक है, तो अभी चलिए मूव होते हैं टॉपिक पे कि हेल्थ मैंने बताया आपको, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। न्यूट्रिएंट के बारे में बताया आपको, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वेल वी ऑल नो फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। ओके, लाइक अगर किसी व्हीकल को रन करने के लिए हमें फ्यूल की नीड होती है, सेम एज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रन करने के लिए या फिर उसके सभी जो फंक्शंस हैं, जब सभी जो एक्टिविटीज हम उनको परफॉर्म करने के लिए हमें फूड की नेसेसिटी है, फूड की आवश्यकता है। ठीक है, वी कैन से दैट इफ यू फूड इज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो फूड ही है। फूड ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, फूड ही हमें हेल्प करता है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को बिल्डअप कर पाता है। फूड ही हमें जनरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो भी डिजीज है, डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन है फूड के,
hope you all have understood. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इज न्यूट्रिशन अननेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या न्यूट्रिशन एक नेसेसिटी है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, यस या नो, ठीक है, एग्जैक्टली न्यूट्रिशन इज अननेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, राइट, व्हाई, बिकॉज़ न्यूट्रिशन से ही, फूड से ही हमारी बॉडी ग्रो होती है, डेवलपमेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, हमारे जो भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, जितने भी बॉडी में होने वाले वाइटल प्रोसेस हैं, लाइक जितने भी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो सभी सब के सब परफॉर्म तभी होंगे जब बॉडी में फूड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फूड हमारी बॉडी की नेसेसिटी है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके लाइफ का, राइट, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आगे हम डिस्कस करते हैं फूड को जनरली थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में पढ़ने के लिए, हम उसको तीन मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं, ठीक है, अब हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, जनरली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए यूज होते हैं उन्हें कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, और उनमें प्रोटीन एक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड का मतलब है कि ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जर्म से, ठीक है, इंजरी से, फिर अदर किसी डिजीज से, ठीक है, तो उसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और अगर समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है, मैक्रो का मतलब है ऐसा न्यूट्रिएंट्स जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, और हम कह सकते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि अगर किसी पर्सन को हेल्थी रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोटेक्टिव फूड्स को भी डेली बेसिस पे कंज्यूम करे, उसकी बॉडी को ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो, ठीक है, ऐसे एबिलिटी होगी जिससे वो जर्म्स से फाइट कर सके, राइट, लेकिन अगर देखा जाए कि इनके क्वांटिटी के बेसिस पे, इनके क्वांटिटी के बेसिस पे हमें नहीं कह सकते हाँ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ज्यादा हम इन्हें कंज्यूम नहीं करते, ज्यादा जो डिपेंडेंट होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के होते हैं, तो इस बेसिस पे हम इनके इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। लेकिन अगर हम इनकी यूटिलिटी की बात करें, इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी के बेसिस पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी लाइफ में। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हम कैसे फूड को क्लासीफाई करेंगे मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन सेपरेटली अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिंस एंड मिनरल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो।